ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक है ये, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा एक बार। और तो आज मैं आप सबके लिए जो रेसिपी लेकर आया हूँ उसका नाम है पलंग केक। वैसे जो पलंग केक है उसकी तीन तरह की रेसिपीज होती हैं जो हम बेकरीज में बनाते हैं। एक होती है एगलेस जो कि मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और दो होती हैं एग वाली, जो कि एग वाली में भी दो तरह की रेसिपीज बनाई जाती हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपके लिए एक ही रेसिपी लेकर आया हूँ। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी और पसंद आती है तो मैं आगे आपको दो रेसिपीज वो भी लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तो ये रेसिपी वैसे जो एगलेस रेसिपी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इस रेसिपी में भी जो है कुछ चीज़ें आपको, जैसे मैंने कई यूट्यूब की वीडियोस भी देखी हैं उसमें वो चीज़ें नहीं बताई गई हैं। तो आज मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊँगा कि वो कौन सी चीज़ें जो आपको इसमें ज़रूर डालना है, जो हम बेकरी में डालते थे वो वाली। तो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजेश बेकरी कैफ़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सिखाते हैं आपको आज का हमारा प्लम केक बनाना। तो हमें अल्कोहल फ्री वर्जन वाला केक बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होगा ऑरेंज जूस। ये आपको जो है टेट्रा पैक वाला लेना है, ये मैंने लिया है 150 ग्राम। इसमें मैं डाल दूंगा 20 ग्राम गोल्डन किशमिश, और उसके बाद हमें इसमें डाल देना है 20 ग्राम टूटी फ्रूटी, ये मिक्स है ग्रीन येलो रेड। और उसके बाद ये मैंने लिया है 10 ग्राम काजू काट के, और उसके बाद 10 ग्राम बादाम भी मैंने लिए हैं काट के, और उसके बाद मैंने लिया है 10 ग्राम ब्लैक किशमिश, इसे भी हम इसी में डाल देंगे। और उसके बाद हम इसे अच्छे से डुबा देंगे इसके अंदर। और अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से जो है फूलने देंगे। और मैं आपको बता दूं, मुझे इसे 24 घंटे तक मुझे इसे जो है इस तरीके से ढककर रखना है, जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए, अच्छे से ये मतलब सोख ना जाए ये, तब तक हमें इसे ऐसे ही भिगो कर रखना है। तो मैं इसे खोलूंगा 24 घंटे, आज मैं इसे शाम को भिगोया हूँ और कल शाम को मैं इसका केक बनाऊंगा, फिर आपको इसकी बेस्ट रेसिपी दूंगा। फिर मैं इसमें सारे इंग्रेडिएंट डालकर बताऊंगा कि कौन सा इंग्रेडिएंट जो है आपको मिसिंग है। हमने जो ड्राई फ्रूट्स भिगोए थे वो पूरे भीग चुके हैं ऑरेंज जूस में, तो अब हम इसमें जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने डाल लेंगे इसी में ही। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हम अपने सारे छान के डालेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम इसमें डालेंगे चीनी, जो कि ये चीनी मैंने ली है 110 ग्राम। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 20 ग्राम मिल्क पाउडर, और उसके बाद हमें इसमें डालना है 130 ग्राम मैदा, और उसके बाद हम इसमें डाल लेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर कोको पाउडर, दो बार हमें 1/2 टीस्पून कोको पाउडर डालना है। उसके बाद हमें ये सारे आइटमें जो है छान लेनी है। उसके बाद हमें इसको मिक्स कर लेना है इसी में। तो अब हम इसमें डालेंगे मिल्क, तो इसमें हमें मिल्क डाल देना है 80 ग्राम, और उसके बाद हमें इसमें डालना है अदरक का मुरब्बा। ये अदरक का मुरब्बा मैंने लिया है 30 ग्राम। बेकरीज में जब हम पलंग केक बनाते हैं तो उसमें हम अदरक का मुरब्बा जरूर डालते हैं, आपको ये जरूर डालना है। ये मैंने 30 ग्राम लिया हुआ है बारीक काट के, और उसके बाद हमें इसमें डालना है, ये मैंने लिया है 70 ग्राम मार्मलेड। ये ऑरेंज मार्मलेड आता है, आप ऑनलाइन मंगा लीजिएगा इसे। 70 ग्राम ऑरेंज मार्मलेड मैंने लिया है, इसको भी आपको लेना है। ये सारी चीजें हम बेकरी में जब मैं बनाता था पलंग केक तो ये डालता था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे आप अगर नहीं डालना चाहते हो तो मत डालना, बट जब आप इसे डालोगे तो आपको बिल्कुल बेकरी वाला टेस्ट मिलेगा। उसके बाद हमें इसमें डालना है 1/2 टीस्पून मैंने लिया है इसमें, इसमें मेरी दालचीनी मिक्स है और इलायची मिक्स है और जो है लौंग का पाउडर मिक्स है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून। उसके बाद हम इसे मिक्स करके देख लेते हैं हमारा बैटर ज़्यादा
ढीला तो नहीं हुआ है या फिर ज्यादा गाढ़ा तो नहीं है। तो हमारे बैटरी की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल अच्छी बनकर रेडी हो गई है। उसके बाद हमें इसमें डालना है 20 ग्राम रिफाइंड ऑयल। बहुत ज्यादा आपको इसमें रिफाइंड ऑयल नहीं डालना है क्योंकि उससे जो है चिपचिपापन बहुत ज्यादा आ जाता है। तो मैंने इसमें 20 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और अब हम इसमें डालेंगे जो है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो इसमें हमें बेकिंग पाउडर डालना है 1/2 टीस्पून के बराबर, 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद मैं इसमें डालूंगा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इसमें हमें बेकिंग सोडा डालना है 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। तो अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फटाफट से। हमारा रिफाइंड ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। तो हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हो गया है। तो अब हम इसे अपने केक टिन में ट्रांसफर कर देंगे जिसमें मैं अपने केक को बेक करने वाला हूं। तो मैं इस टिन में जो है अपने केक को बेक करने वाला हूं। तो मैंने अपने केक टिन को जो है पहले से ही मैंने इसमें घी लगा के रख लिया था। तो अब हम अपने सारे बैटर को इसमें ट्रांसफर कर देंगे। तो मैंने अपना सारा का सारा बैटर केक टिन में ट्रांसफर कर दिया है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर भारी चीज डालूंगा, वजन वाली चीज, तो वो नीचे को बैठ जाएगी। तो मैं इसके ऊपर भारी चीज नहीं डालने वाला हूं। मैं इसके ऊपर डालूंगा कटा हुआ बादाम, छिलके वाला डालूंगा। थोड़ी सी मैं इसके ऊपर सौगी डाल देता हूं, अगर अंदर चली भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वजन चीज इसके अंदर चली जाएगी। तो मैं इसके ऊपर सिर्फ कटा हुआ बादाम डालूंगा, छिलके वाला। तो मैंने जो है उसी काजू को बारीक बारीक काट के मैं काजू ही डाल रहा हूं इसके ऊपर, ताकि वो क्या होता है जो हल्का चीज होता है ना वो इसके अंदर बैठेगा नहीं, और अगर हम वजन चीज डालेंगे तो वो अंदर बैठ जाएगा। अगर आपको इसके ऊपर वजन चीज डालनी है तो जैसे कि मैंने इसमें डाला था 80 ग्राम मिल्क, तो आप क्या करना 20 ग्राम मिल्क कम डालना और बैटर आपका थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके जो है नट्स अंदर नहीं जाएंगे। हमारा केक रेडी हो चुका है बेक होने के लिए। तो हमने अपने ओवन को पहले ही प्रीहीट पर रख दिया था 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए। हमारा ओवन भी प्रीहीट हो गया है। तो अब हम अपने केक को डाल देंगे फटाफट बेक होने के लिए। तो मैंने अपने केक को डाल दिया है और राडे आपको हमेशा दोनों ही ऑन करके रखना है। और मैं इसमें टाइम लगा दूंगा लगभग 40 मिनट का। 40 मिनट के बाद मैं इसे चेक करूंगा कि मेरा केक जो है बेक हुआ या नहीं। इससे भी ज्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि मेरा ओवन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। हर किसी के ओवन का जो है टाइम और टेम्परेचर अलग अलग होता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब हम अपने केक को बेक होने देते हैं अच्छे से, फिर हम आपको बाद में बताएंगे कि हमारे केक को बेक होने में कितना समय लगा है। तो हमारा प्लम केक बेक हो चुका है। तो हम अपने केक को बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हमारे केक को बेक होने में कितना समय लगा है। देखिए हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक होकर बाहर निकल आया है। और क्या बताऊं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे केक की, बहुत बेस्ट खुशबू आ रही है केक की। तो आप ऐसे ही बनाकर ट्राई कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं हमारे केक को बेक होने में समय लग गया है पूरा 75 मिनट। मैंने इसे बेक किया है 75 मिनट। क्या होता है जैसे इसमें नट्स ज्यादा होते हैं और हमारी रेसिपी भी थोड़ी बड़ी थी, इस करके जो है इसे बेक होने में टाइम लग गया है। वैसे हर ओवन का जो है टेम्परेचर और टाइमिंग अलग अलग होता है, आपके ओवन में कम समय भी लग सकता है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा बेकिंग का सिस्टम, 180 डिग्री पर बेक करना है या फिर 70 डिग्री पर। और तो अब हम अपने केक को जो है साइड में इस तरीके से छुरी लगा देंगे और उसके बाद हम इसे रख देंगे 15-20 मिनट के बाद। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको अपने बोल से बाहर निकालेंगे। तो अभी से हम ठंडा हो जाने देते हैं अच्छे से। तो हमारा पलंग केक ठंडा हो चुका है, तो हम इसे मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। और देख सकते हैं आप इसमें सारे नट्स ही नट्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पलंग केक में नट्स बहुत होते हैं और मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह इसमें डाले भी बहुत से, बहुत सारे हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये सारे के सारे जो है ड्राई फ्रूट्स नट्स, ये जो हमने डाले थे जैसे चेरी है या किशमिश जो हमने इसमें डाली थी, काजू बादाम सारे नज़र आ रहे हैं।
तो अब हम क्या करेंगे, इसे काट कर हम अपने केक को आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं कितना शानदार केक हमारा बना हुआ है, पलंग केक। ये खुशबू बहुत अच्छी मार रहा है, आप एक बार ज़रूर इसको बनाकर ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो अब मैं इसे काट कर दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए हमारा पलंग केक, और देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी हमारा केक बना हुआ है, कितनी अच्छी हमारे केक की जाली आई है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी केक है ये। तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा एक बार, और एक बार जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी रेसिपी। तो मैंने जो आज आपको पलंग केक बनाना सिखाया है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक है, जैसे हम बेकरीज में बनाते थे बिल्कुल वैसे ही आपको सिखाए हैं। तो आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जब आप उसे ट्राई करोगे घर पर बनाकर, तो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करना। एक रिक्वेस्ट आप लोगों से और है कि आप हमारे इंस्टाग्राम को पेज को फॉलो करिएगा, और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा, जिससे कि हम रेसिपी जो अपलोड करेंगे वो आपको पता चलती रहेंगी। क्योंकि आजकल यूट्यूब पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से जो हमारे वीडियोस हैं वो आप तक यूट्यूब खुद पहुंचा नहीं रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई है।